हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.5 करेंगे। देखो तो इसमें क्या कहता है हमें, कहता है अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज शोन इन फिगर 3.19। ये वाला जो फिगर है आपकी बुक में, देखो नेटवर्क रेजिस्टर्स जो है, वो जो नेटवर्क है रेजिस्टर्स का, वो है कनेक्टेड किसने से, 16 वोल्ट बैटरी से विद इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो जरा, 16 वोल्ट की ये बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा 1 ओम का, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स कौन से हैं, ये हैं सिर्फ, ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ये हैं क्योंकि ये बैटरी है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये अभी समझ में आएगी मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। देखो पहले ए पार्ट में क्या कहता है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, ऑफ द नेटवर्क, और नेटवर्क कौन सा है, ये है, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकाल रहे हैं नेटवर्क का, तो नेटवर्क तो ये बोला है इसने, नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस तो ये है, इज कनेक्टेड विद अ 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस दिस। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाले का निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो देखो जरा हम यहाँ ए पार्ट के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा आर वन हो गया, ये वाला आर टू मान लेते हैं, ये वाला हमारा आर थ्री मान लेते हैं, ये वाला आर फोर, और ये वाला रेजिस्टेंस आर फाइव मान लेते हैं ये, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा यहाँ पर अगर ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, तो आर वन और आर टू देखो देखने से ही पता चल रहा है कैसे किस में है, ये बताओ पैरेलल में है, देखने से ही पता चल रहा है। नहीं तो सिंपल सी कहानी क्या है कि करंट आई यहाँ से जाएगा, यहाँ गया, यहाँ से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, करंट डिवाइड हो रहा है तो मतलब किस में है, ये पैरेलल में है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये करंट गया, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो रहा है तो किस में, पैरेलल में, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और करंट डिवाइड होता है। नहीं तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है ये कहानी कि देखने से भी पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते हैं। देखो आर वन एंड आर टू, आर टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं बताओ हमें, आर वन टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल के अक्रॉस निकाल रहे हैं यहाँ पर, मतलब पैरेलल में निकाल रहे हैं, आर वन टू ऐसे लिख दिया मैंने, तो देखो कैसे निकालते हैं हम बताओ, ऊपर क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई आर वन आर टू और अपॉन में आर वन प्लस आर टू, ऐसे ही बनता है। नहीं तो आप इसको ऐसे सोल्व करते हैं, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू इज इक्वल टू में वन अपॉन में आर वन टू। तो आप यहाँ से एलसीएम लेते, आर वन आर टू इधर आता हमारा आर टू, और इधर क्या आ जाता हमारा आर वन आ जाता, आर वन, आर वन डिवाइड होकर आर टू बचता, आर टू इंटू वन आर टू, आर टू इससे डिवाइड होता आर टू कट जाता, आर वन बचता आर वन इंटू वन आर वन, ये आता। लेकिन ये वन अपॉन में आर वन टू की वैल्यू आती, आर वन टू क्या जाता, पलट देते हैं इनको, तो मल्टीप्लाई वाले ऊपर आ गई टर्म, और आर वन प्लस आर टू लिख दो चाहे आर टू प्लस आर वन लिख दो, ये ऐसे आया हमारे पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, सिंपल सी है कहानी, आ रही है समझ में, ठीक है। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो दो के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और आपको पता है, अगर ये सेम है रजिस्टर, तो R इक्विवेलेंट अगर सेम के लिए हमें पता है, R1, 2 हम यहाँ पर सेम के लिए कैसे निकाल सकते थे बताओ, R अपॉन में क्या होता है, N होता है, तो R कितना है इसमें, 4 है, सेम के लिए होता है ये, ठीक है। और N मतलब कितने रजिस्टर हैं, 2 हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 ओम आ रहा है। देखो यहाँ से भी 2 ओम ही आएगा, देखो R1 की वैल्यू है 4, R2 की भी 4, और ये 4 प्लस में 4 कितना आ रहा है, 16, और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, 8 टू का 16, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। तो ये समझने की बात है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से R12 आ गया हमारा 2 ओम का, ठीक है, ये आया। ऐसे ही ये R3 तो चलो हमारे पास है ही क्या, हमारा 1 ओम का है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं ये वाला, ये R4 और R5 भी किस में है, पैरेलल में है, तो हम पैरेलल में कैसे सोल्व करेंगे इसी तरीके से, तो R4 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, R4 इंटू में R5 अपॉन में R4 प्लस में R5। अब देखो यहाँ तो ये इसी तरीके से निकलेगा, ये R बाई एन से नहीं निकल सकता, वाई क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग रेजिस्टर हैं, यहाँ तो ये सेम थे, सेम के लिए हमें पता है जर्नल कि ये फार्मूला बनता है, क्लियर। तो देखो अब जरा R4 की वैल्यू है 12, और R5 कितना है हमारा 6 है, और ये 12 प्लस में 6 हो गया, तो ये देखो 12 इंटू 6 और ये कितना हो गया 18, ये 6 3 दा 18 और ये 3 4 दा 12, तो ये आ गया हमारे पास 4 ओम, क्लियर बताओ, ये चीज़ 4 ओम आ गई हमारे पास। अब देखो जरा यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ऊपर जो सोल्व करके आया ये वाला, ये सोल्व करके कितना आया हमारे पास, ये वाला 2 ओम आया, ये 2 ओम, तो मैंने 2 ओम लिख दिया, ये 1 ओम का है ही यहाँ पर, ठीक है 1 ओम, और इन दोनों को सोल्व करके क्या आया हमारा 4 ओम आया, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब इनको ये किस में है, सीरीज़ में है, ठीक है ना, तो सीरीज़ में ये वाला हमारा R12 था,
ये वाला R3 था और ये वाला कौन सा था, R4 5। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा हमारा नेटवर्क का वो आएगा 2 + 1 + 4, कितना आया ये 7 ओम आया। अब देखो ये हमारा आंसर क्या आया, 7 ओम का आया, ठीक है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 7 ओम आया ना, इसमें 1 ओम ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि उसने नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था और नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड था 16 वोल्ट बैटरी से विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये अलग है कहानी है यहाँ पर दी हुई। तो नेटवर्क ऑफ रजिस्टर ये है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना है सिर्फ, तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं बी की, देखो बी क्या कह रहा है हमें यहाँ पार्ट, बी कहता है करंट इन ईच रजिस्टर। अब देखो करंट इन ईच रजिस्टर उसने आपसे पूछा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, करंट इन ईच रजिस्टर की जब ये बात करता है तो देखो जरा, हमें पता है आई जो निकलता है हमारा वो क्या होता है ईएमएफ, और जो रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क आता है हमारा इक्विवेलेंट वो प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और ये क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला, क्लियर। तो देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है अभी बताऊंगा। ई कितना है हमारा 16 का हो गया, आर हमारा आया 7 का और ये हो गया 1, तो 16 प्लस में 8 दैट इज़ अ 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसको देखना ज़रा, उसको समझना। देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से बना दूंगा, देखो ये किस तरीके से आया हमारा, ये था और ये था एक, ये कौन कौन से थे हमारे, देखो R12 ये कितना था हमारा 2 ओम का आया था, ये R3 कितना था 1 ओम का था, और इन दोनों को सोल्व करके R45 कितना आया था हमारे पास, कितना आया था बताओ 4 ओम का आया था, ठीक है। अब ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो भी मैं इसके साथ यहाँ पर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज क्या होता है सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है, किसके साथ बताओ, किसके साथ कनेक्ट होता है, जो भी नेटवर्क आपका होगा, ठीक है, इसमें ये हमेशा ऐड ही होता है, तो सीरीज़ में ही होता है, ठीक है। तो ये आर हमारा हो गया 1 ओम का, ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे इसको बना दिया कि ये 16 वोल्ट की बैटरी है, क्लियर। अब इससे देखना फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो इस पूरे को जो सोल्व करके आया हमारे पास वो आया 8 ओम, कितना आया 8 ओम। तो देखो सबसे ईजी तरीका है ये, अब इन ईच जो रजिस्टर है करंट हम कैसे निकाल रहे हैं, ये 8 ओम का आ गया टोटल हमारा, ठीक है, इतनी बात यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें हर एक रजिस्टर में करंट निकालना है, इसलिए हमने यहाँ टोटल ले लिया ये, ठीक है। यहाँ पर टोटल क्यों नहीं लिया था, क्योंकि उसने सिर्फ बोला था नेटवर्क जो है हमारा रजिस्टर्स का उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है, समझ रहे हो इतनी बात, तो वो हमने काम किया था यहाँ पर, क्लियर इतनी बात बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ईच रजिस्टर में निकालना है, तो करंट तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। अब करंट तो हम पूरा देख रहे हैं, वो तो यहाँ पर भी कुछ ड्रॉप होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, इसका भी यहाँ रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने देखा 8 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और जो करंट आया हमारा वो कितना आया, यहाँ से भी आप करके देख सकते हो, देखो नहीं तो ये यहाँ से हमें पता चल ही रहा है, ठीक है ना, ये टोटल 8 ओम का हो गया और ये 16 का, तो यहाँ से भी हम कर सकते थे, ये 8 और 16 है, ठीक है ना, ये हमारा टोटल आर आ गया यहाँ से, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये समझ रहे हो, नहीं तो ये यहाँ पर आपका निकल गया, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 2 एम्पियर का करंट, क्लियर। अब देखो जरा यहाँ 2 एम्पियर का करंट है, ठीक, तो मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, देखो आई है इसमें 2 एम्पियर और जो वोल्टेज है इसमें कितनी है 16 वोल्ट है इसमें, क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ये पैरेलल में इस तरीके से आएगा, इसका 16 वोल्ट मिल रही है इसको, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 16 वोल्ट इसमें क्या होगी, डिवाइड होगी, बिकॉज ये सारे क्या है सीरीज में है, तो यानी कि वोल्टेज यहाँ डिवाइड होने वाली है, लेकिन करंट इसमें क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जैसे ये 2 एम्पियर का गया ना यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर I2 है हमारा, ठीक है, तो इन रजिस्टर से ही ये रजिस्टर बना है मिलके, इसमें करंट 2 और वोल्टेज 16, तो अब करंट तो इनमें 2 ही रहेगा बिकॉज सीरीज में है, लेकिन यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, तो करंट तो यही रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ I, तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, और यहाँ भी आई कितना आएगा 2 एम्पियर ही आएगा। मेन आती है बात वी की, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो आई 2 है और ये कितना है 2 है, ये आ गया हमारा कितना 4 वोल्ट, क्लियर। और ये कितना आगे आ जाएगा यहाँ पर वी जो होगा हमारा आई आर 2 × 1 2 वोल्ट, ठीक। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आई इंटू आर 4 × 2 दैट इज़ अ 6 वोल्ट, क्लियर। और यहाँ वी कितना आ जाएगा आई इंटू में आर, कितना आएगा ये 2 वोल्ट। अब देख लो जरा ये 4 वोल्ट ये 2 वोल्ट कितना हो गया 6 और ये 6,
12, 4 टू द 8 होता है, ये 8 होगा ठीक, 4 और 2 6 और 8 14 और 2 16 वोल्ट हो गया टोटल। तो ये 16 वोल्ट ऐसे डिवाइड हो गई, लेकिन करंट सीरीज, क्योंकि ये सीरीज में थे सारे तो ये वाला करंट तो यहाँ सेम रहेगा, लेकिन ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ पर ये डिवाइड हो गई इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात? अब हमें तो अभी बात किसकी करनी है यहाँ पर, बताओ किसकी करनी है, जल्दी से बताओ, करंट की करनी है ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, यहाँ पर करंट देखो कितना है, 2 एम्पियर का है और वोल्टेज है 4 वोल्ट की, और ये वाला जो रजिस्टर है इन दोनों से मिलके बना, ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो ये वाली वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्रॉस जो होगी वोल्टेज 4 वोल्ट मिलेगी, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितनी मिलेगी, 4 वोल्ट ही मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि अगर हम सी पार्ट इसका देखेंगे ना बाद में, कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी, ए बी के अक्रॉस कितनी मिल रही है, यहाँ 4 वोल्ट मिल रही है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ ये इन दोनों से मिलके क्या बना था, ये बना था। तो यहाँ पर ये वाला ही ए पॉइंट होगा और ये वाला ही क्या होगा, इसका बी पॉइंट होगा। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 4 वोल्ट है। तो मैं यहाँ पर अगर इसका सी पार्ट सोल्व कर दूँ तो वी ए बी कितना आ रहा है, 4 वोल्ट हो रहा है। क्लियर है, ये चीज़ साथ साथ हो जाएगी आपकी ठीक। अब यहाँ करंट निकालते हैं, देखो करंट क्या होगा, ऑब्वियस बात है डिवाइड होगा। यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। अब यहाँ पर करंट क्या होगा, ये पैरेलल में है क्योंकि, तो करंट यहाँ डिवाइड होगा। तो आई इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, वी अपॉन में आर, तो ये 4 है और ये वाला आर कितना है, 4 है, तो ये 1 एम्पियर का आ गया। और यहाँ पर भी आई क्या होगा, वी अपॉन में आर, तो वी 4 वोल्ट है और आर 1 कितना है, 4 है, ये भी 1 एम्पियर का आ गया। तो यहाँ पर बी पार्ट में हमारे पास जो आई है करंट इन किसमें, आर 1 में, करंट इन आर 1 कितना है हमारा, ये 1 एम्पियर, आर 2 में भी 1 एम्पियर आ गया ठीक है, ईच अक्रॉस बोल रहा है ना वो। अब ये आर 3 है, आर 3 तो यही वाला है, तो यहाँ पर तो करंट हमें पता चल ही रहा था 2 एम्पियर का है, तो ये आर 3 में तो कितना है, 2 एम्पियर का है। क्लियर? अब ये देखो बी और सी के अक्रॉस वोल्टेज भी पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस बी और सी, तो ये यहाँ पर भी है यानी कि बी है और ये वाला क्या है हमारा, सी है। तो वोल्टेज मैंने यहाँ पर निकाली ही थी, ये कितना है हमारे पास, 2 वोल्ट की है। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ वी बी सी कितनी है हमारी, 2 वोल्ट की आई थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बताओ ठीक है। अब ये वाले पे आ जाओ, देखो ये आर 4 5 इन दोनों को सोल्व करके मिला था, और यहाँ पर करंट है 2 का और वोल्टेज है 8 वोल्ट। अब ये पैरेलल में सोल्व करके आया था, तो यानी कि पैरेलल में यहाँ वोल्टेज तो सेम रहेगी, तो वोल्टेज कितनी है यहाँ, 8 वोल्ट, तो वी यहाँ 8 होगा, यहाँ भी वी कितना होगा, 8 होगा। मेन है करंट डिवाइड होगा, तो करंट कितना हो जाएगा आपके पास, वी बाय आर, तो वी है 8 और आर है 6, तो 2 4 2 3 6। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो इतनी बात। तो ये किस में आया है हमारा करंट, आर 5 में कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो देखो मैं ना इनको यहाँ ऐसे चेंज कर दूँ, ये आर 1 आर 2 ना करके, आर 1 के क्रॉस जा रहा है आई 1, आर 2 के क्रॉस आई 2, आर 3 के क्रॉस आई 3 करंट मान लिया हमने, और ये वाला 5th है ना, तो आई 5 मान लिया मैंने। आई 5 कितना हो रहा है हमारा, 4/3 एम्पियर। अब आई 4 भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ I इज इक्वल टू में वी बाई आर, यानी कि 8/12, 4 2 8, 4 3 12, तो कितना आ रहा है, ये 2/3 एम्पियर आ रहा है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमारे पास यही तो थे रेजिस्टर्स, तो इनके क्रॉस तो हमने निकाल ही दिया। क्लियर है? ये वाला जो था हमारा, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इसके क्रॉस भी कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो करंट, यहाँ पर देख लो ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस था ना, 2 एम्पियर का था। क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो सी पार्ट था ना, ये चीज़ समझ में आ गई कैसे हमने निकाला है, बिल्कुल ईजी यही है, सबसे ईजी मेथड इसका। उल्टा आप सर्किट को चलाना शुरू कर दो, देख लो कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर वी ए बी निकल गया हमारा, यहाँ से देख लिया था हमने ए बी, यहाँ पर ये 4 वोल्ट था, फिर बी सी देख लिया था हमने, बी सी ये बन रहा था हमारा 2 वोल्ट का, फिर देखो सी डी इन दोनों को सोल्व करके जो बना ये था, तो ये था डी, ठीक है ना। तो सी और डी के बीच में वोल्टेज कितनी थी, यहाँ 8 वोल्ट थी, तो मैं यहाँ लिख दूँ वी सी डी कितना था, 8 वोल्ट था। तो ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो देख लो हमारे ये सारे आंसर आ गए कितने ईजी वे में, या नहीं बताओ। अब यहाँ वोल्टेज अक्रॉस इसके अक्रॉस पूछ लेता, आर के अक्रॉस, तो वो भी हमने निकाल ली हुई है कितनी है, वो 2 वोल्ट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, सिंपल सी बातें हैं ठीक। तो जो उसने पूछा था वो हमने यहाँ पर निकाल ही दिया है ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल से वे में था आपका सारा का सारा क्वेश्चन। बुक में आप देखोगे तो बहुत अलग तरीके से इसको समझाया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया ये आप ऐसे करोगे कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़ी आसानी से ठीक है। ओके जी, थैंक यू।